जीव और समष्टियां, पांचवा भाग। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परजीविता, सहभोजिता और सहोपकारिता। इसके पहले वीडियो में हमने दो प्रकार के समष्टि पारस्परिक क्रियाएं पढ़ी, जो है परभक्षण और स्पर्धा। अब हम आगे के तीन और पढ़ेंगे। पहला है परजीविता। इस समष्टि पारस्परिक क्रिया में सिर्फ एक जाति को लाभ होता है, जो है परजीवी, और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति या परपोषी के लिए हानिकारक होता है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन करता है, तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यर्थ करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। परजीवी को पोषण बनाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंग, चूसकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप और उच्च जनन क्षमता। परजीवियों का जीवन चक्र जटिल होता है, जिसमें एक या दो मदसत्य पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं, जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाता है। पहला उदाहरण है लिवर फ्लूक। इसके दो परपोषी होते हैं, पहला मछली और दूसरा घोंगा। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं हम प्लास्मोडियम, जो मलेरिया का एक मूल कारण है। यह पहले परपोषी से दूसरे परपोषी तक मच्छर द्वारा जा सकते हैं। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तर जीविता, वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसे परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रकार के परजीविता के बारे में। पहला है बाह्य परजीवी या एक्टोपैरासाइट्स। परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आसन करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण है कुत्तों पर टिक्स और मानवों पर जू के समूह। कस्क्यूटा एक परजीवी पौधा है, जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती हैं और परजीवी पादप पे रहता है और उसी से अपना पोषण लेता है। इस प्रकार कस्क्यूटा एक बाह्य परजीवी के रूप में कार्य करता है। अंत परजीवी या एंडोपैरासाइट। परपोषी जीव के शरीर में भिन्न स्थलों यकृत, वक, लाल रुधिर कोशिकाएं, फुसफुस आदि पर रहते हैं। उनके आकारिकीय और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं। अब एक खास प्रकार की परजीविता है अंड परजीविता या ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी के घोंसले में देते हैं और परपोषी को उन अंडों को सेने देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश विकसित हो गए, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने पर घोंसले से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। अब बात करते हैं सहभोजिता। यह ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है
और दूसरे जाति को न हानि न लाभ। इसका उदाहरण है वेल की पीठ पर आवास करने वाले बार्निकल और आम की शाखा पर अधि पादप के रूप में उगने वाले ऑर्किड। जबकि आम के पेड़ और वेल को उनसे कोई लाभ नहीं होता, इसीलिए यह सहभोजता के उदाहरण है। सहभोजता का उदाहरण समुद्री एनीमोन में दंशन स्पर्शक या स्टिंगिंग टेंटिकल होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाले क्लाउन मछली का है। मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं, और मछली से एनीमोन को कोई भी लाभ नहीं मिलता। अब बात करते हैं सहोपकारिता। इस पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। इसका उदाहरण है लाइकन। इसमें कवक, सुरक्षा और खनिज पदार्थ प्रकाश संश्लेषी शैवल को देता है, और प्रकाश संश्लेषी शैवल इसके बदले खाद्य पदार्थ कवक को देता है। इसीलिए कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवल के बीच में सहोपकारिता दिखती है जो लाइकेन बनाता है। इसका दूसरा अच्छा उदाहरण है माइकोराइजा। कवक फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादप में भेजता है, और पादप इसके बदले में कवक को सुरक्षा एवं बना बनाया खाद्य पदार्थ देता है। इस प्रकार कवक और पादप सहोपकारिता में रहते हैं और दोनों को इससे लाभ मिलती है। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि में पादप प्राणी संबंध का उदाहरण है। पादपों का को अपने पुष्प परागित करने के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। बदले में परागणकारियों को पराग और मकरंद तथा प्रकीर्णों को रसीले और पोषक फल देते हैं। पुष्प और इसके परागणकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। इसे सहविकास कहते हैं। उदाहरण अंजीर के पेड़ों और बर के बीच का संबंध। कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथ ही बर की जाति से ही परागित हो सकते हैं, बर के दूसरे जाति से नहीं। मादा बर फल को अंडे देने के लिए तथा फल के भीतर वृद्धि कर रहे बीजों को लार्वा के पोषण के लिए प्रयोग करती है। इसके बदले में अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्प क्रम को परागित करती है। इस प्रकार अंजीर और बर के बीच में सहविकास दिखता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? समष्टियों के बीच अलग अलग प्रकार के क्रियाएं।